बताई जा रही है, यानी कि इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन होने वाला है। शिक्षक काफी आक्रोशित हैं। दरअसल शिक्षक संशोधन नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी पर, हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि रिक्तियां ज्यादा रह जाने की वजह से सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। पहले बहाली में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे, सीटें खाली रह जाती थी, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। अब देश का कोई भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकता है। टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे। उनकी बहाली कुछ अच्छे कामों का हमेशा लोग विरोध करते हैं, उनकी बहाली होगी और जानबूझकर इसका विरोध किया जा रहा है। पहले बाइट सुनते हैं, फिर चलेंगे एसके राजीव के पास। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया, मतलब छात्रों, छात्र नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए सरकार ने नहीं मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियाँ रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आ रहे, और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन। तो चलेंगे सीधे पटना हमारे सहयोगी एसके राजीव के पास। राजीव, ये एक ऐसी चिंगारी है जो बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है। अब ये कोशिश सरकार की है कि अच्छे अभ्यर्थी पहुंचे इस प्रतियोगिता के जरिए, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे, लेकिन विरोध होने लगेगा क्योंकि इसमें बाहरियों को भी मौका मिल रहा है और शायद विरोध शुरू भी हो गया है। कितना ये मुसीबत बन सकता है सरकार के लिए? देखिए आसिया, आपको याद होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, सत्ता में आए थे पूर्ण रूप से, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि भाई सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, और उस नारे को विधिवत उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया था। और उस समय मुखिया के पास शिक्षक बहाली का अधिकार जो है वो उन्होंने दे दिया था, जिसकी वजह से कई फर्जी शिक्षकों की भी बहाली हुई और जिनके मैट्रिक में सबसे ज्यादा मार्क हुआ करते थे वो तमाम लोग जो है वो शिक्षक बन गए थे। स्थिति यह हुई थी बिहार की कि बिहार में अगर आप टीचर से जाकर के बात करती और उनको अगर आप एप्पल पूछती कि एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है तो वो ठीक से बता नहीं पा रही थी। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की काफी फजीहत हुई, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार को ये लगा कि नहीं भाई, एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुआ है और वो वोट बैंक उनकी सरकार बनाने में काफी मदद कर रहा है। लिहाजा दूसरी बार भी उन्होंने जब वैकेंसी निकाली तो दूसरी बार भी उन्होंने बहाली की प्रक्रिया को सेम रखा। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर एक कदम उठाया और यह कहा कि अब एसटीईटी पास जो लोग आएंगे उनकी बहाली की जाएगी, और फिर उसके बाद शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य कर दिया गया कि जो शिक्षक पहले बहाल हुए हैं उनको भी एसटीईटी उत्तीर्ण होना होगा, जो उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको 3 बार चांस दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इस बार जो 3 लाख शिक्षकों की बहाली की वैकेंसी निकली है वो बीपीएससी के द्वारा इस बार प्रॉपर तरीके से वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें अभी तक ये कहा गया था कि जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसी पॉलिसी को इसमें रखा गया था, लेकिन कल जब कैबिनेट की बैठक हुई है तो एक बड़ा निर्णय लिया गया और उसमें यह कहा गया है कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो छात्र हैं, जो एसटीईटी और सीटीईटी जो पास अभ्यर्थी हैं वो लोग इसमें आवेदन करेंगे, वो इसके एप्लीकेंट होंगे। और इस बात को लेकर के अब जो बिहार में है स्थानीय लेवल पे जो पहले से एसटीईटी सीटीईटी पास जो छात्र है वो अब इसका विरोध करने लगे, और विरोध ऐसा वैसा नहीं है, विरोध की चिंगारी आने वाले दिनों में जबरदस्त तरीके से भड़केगी और हो सकता है कि इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा। हालांकि चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लाने के लिए, वापस लौटाने के लिए ये नीति लानी जरूरी थी, इसलिए इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन बिहार में शिक्षक संघ और जो शिक्षक अभ्यर्थी संघ है वो तमाम लोगों की तरफ से विरोध जो है वो फिलहाल शुरू हो गया है, और आगे आने वाले दिनों में 11 तारीख को यानी कि 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक बिहार में विधानसभा का मानसून सेशन भी बुलाया गया है। 11 तारीख को ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से पटना में जमा होंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो 11 तारीख को क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाह रहेंगी, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की किरकिरी इस फैसले के बाद होना तय माना जा रहा है। देखा गया है नीतीश कुमार जो फैसला करते हैं वो कर लेते हैं, बाद में उसे बदलते नहीं। तो ये जो आंदोलन अब शिक्षक करेंगे, इस बार चूंकि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल है तो क्या लगता है इस बार इस आंदोलन, इस फैसले का कुछ असर दिखेगा?
नहीं देखिए आसिया, आपने जो अभी कहा कि नीतीश कुमार जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं, इसमें सच्चाई है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं उसमें फिर वो वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन कई ऐसे फैसले हैं जिसमें नीतीश कुमार ने उस फैसले को वापस तो नहीं लिया है लेकिन उसमें अमेंड बाद में जाकर के जोड़ किया। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू हुई उसको लेकर के नीतीश कुमार की बड़ी किरकिरी हुई, बड़ी फजीहत हुई, शराब से काफी लोग मरने लगे। मुझे आज भी याद है कि जो पिछला अभी विधानसभा का सेशन हुआ था, बजट सेशन, उसमें शराब को लेकर के जब हम लोगों ने सवाल पूछा था, छपरा में लगभग 100 लोग मारे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी जो लोग मरे हैं शराब पी करके उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ठीक उसके एक सप्ताह बाद वही फिर अपने आदेश को वापस लेते हैं और उनको भी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया जाता है। तो नीतीश कुमार फैसला वापस नहीं लेते हैं लेकिन फैसले में अमेंड जरूर करते हैं। और चूंकि ये चुनावी वर्ष है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, अगर 3 लाख शिक्षकों की बहाली होती तो वो काफी बहुत मायने रखता है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अगर 11 तारीख को इन लोगों का प्रदर्शन काफी भयावह रूप लेता है और अगर शिक्षक वाकई में आंदोलन के मूड में लगातार बने रहते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को अपने फैसले पर रिकंसिडर, पुनर्विचार करना पड़े। जी आसिया, चलिए शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।